प्यारे बच्चों, आज हम साजिदा के दुपट्टे की एक मजेदार कहानी सुनते हैं। एक बार साजिदा की आपा ने साजिदा को एक बहुत ही सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर बहुत सुंदर कढ़ाई थी और सीसे भी लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़ कर खेलने लगी। जब खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़े ही सो गई। रात में उसको एक सपना आया और सपने में वह सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बनना होगा। उसने सोचा, एक साधारण से कपड़े से ऐसा सुंदर दुपट्टा बनाने के लिए जरूर किसी जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई होगी। फिर उसने सपने में ही देखा कि उसके अप्पा उसे समझा रहे हैं। बेटा, ऐसे जादू से कपड़े नहीं बना करते। इसके लिए बड़ी मेहनत से कपड़े के ऊपर कढ़ाई और छपाई करके उसके ऊपर शीशे आदि लगाकर उसे सुंदर बनाया जाता है, तब ऐसा सुंदर दुपट्टा तैयार होता है। दूसरा पार्ट, उंगली पे रंग लगाएंगे और ऐसे करते चले जाएंगे। और इस प्रकार से हम इसको एक लाइन में जोड़ देंगे। ठप्पा पेंटिंग, ठप्पा पेंटिंग से हम कपड़े को भी रंग सकते हैं, कपड़े को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं और इसको हम पेपर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं गोभी के टुकड़े से, जो हम सामान्य से जो काम में लाते हैं घर में, उससे हम ठप्पा पेंटिंग करते हैं। और उसके बाद हम लेंगे भिंडी, भिंडी को भी हम ऐसे कलर से लगा के इसमें ठप्पा लगाते चले जाएंगे। यह है ठप्पा पेंटिंग। इससे बहुत सरलता से हम अच्छे से अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। देखो कितने सरलता से हम बहुत अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। आओ बच्चों, अब हम सीखेंगे कागज की बुनाई। सबसे पहले हम दो अलग अलग रंग के अपोजिट कलर दो कागज लेंगे। अब कागज पे हम एक में सीधी लाइन, एक में खड़ी लाइन पेंसिल से मारेंगे और कैंची की सहायता से इसको काटेंगे। अब हम दोनों पेपर्स को लाइनिंग में काटेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये पेपर, ये जो पट्टियाँ हैं वो साइड से अलग ना हों। इस प्रकार से बुनते हुए पूरा बुन लेना है और इस प्रकार से ये मैट पूरी हो गई है। इसी प्रकार से कपड़ा भी बुना रहता है।